Hello everyone, this is Priya and today in this video we will talk about what is sensor and transducer, definitions, examples, and then we will talk about what is the difference between sensors and transducers. So let's get started with the video. So सबसे पहले हम सेंसर की डेफिनेशन की बात करते हैं. तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम कि जब किसी भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस को हम सेंसर बोलते हैं. तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद सेंसर, लेट मी डिस्कस कि सेंसर्स का यूज हम करते कहाँ पर हैं. तो कोई भी मेजरमेंट डिवाइस हो जहाँ पर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, प्रेशर, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है या फिर उसमें जो चेंज हो रहा है, अब अगर हमारा जो प्रेशर है किसी भी क्वांटिटी का वो बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही केस में हमें जो रेट ऑफ चेंज है उसे मेजर करना है या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई मोशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब क्वांटिटीज को मेजर करना है, तो हम एक मेजरमेंट सिस्टम का यूज करते हैं. और उस मेजरमेंट सिस्टम में जो फर्स्ट एलिमेंट हम यूज करते हैं वो है सेंसर. तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो उस चेंज को, जो चेंज हो रहा है उस क्वांटिटी के अंदर, किसी एक सराउंडिंग में, सेंसर के सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को सेंसर डिटेक्ट करता है. तो एक ऐसी डिवाइस विच चेंजेस, विच डिटेक्ट्स द चेंज इन द एनवायरमेंट इज नोन एज अ सेंसर. सो सेंसर टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है, प्रेशर सेंसर भी हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी हो सकता है. ठीक है, तो जो सेंसर है वो हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा, और उसे एक इजीली रीडेबल सिग्नल में शो करेगा, जैसे कि वो सिग्नल कौन सा हो सकता है, हमें वोल्टेज या करंट की फॉर्म में हमें वो शो करेगा, मींस एम्पियर्स की फॉर्म में या फिर वोल्ट्स की फॉर्म में. वो जो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज हो रहा था उसे मेजर किया सेंसर ने, वो उसे एक रीडेबल सिग्नल की फॉर्म में शो करेगा. ठीक है, तो हमारे पास सेंसर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज थर्मोमीटर. तो जो थर्मोमीटर होता है वो एक सेंसर है जिसमें हम मरकरी का यूज करते हैं. तो जो मरकरी थर्मोमीटर के अंदर फिल्ड होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे ही जो टेम्परेचर है, हम जिस टेम्परेचर को मीजर कर रहे हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मरकरी है वो एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो यही इसका मरकरी या जो लिक्विड है उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन ही हमें इजीली मेजर करने में, जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो एक कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास जो मरकरी है वो जैसे ही एक्सपेंड या कॉन्ट्रेक्ट होगी तो हमें टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो हमें पता चलता है इस चीज से. सो हम इसके बाद में ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने एक मरकरी का, जो थर्मामीटर है उसके अंदर मरकरी का यूज किया. तो ये एक टेम्परेचर सेंसर का काम किया थर्मामीटर ने. ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो हमारा थर्मोकपल है वो भी हमारे टेम्परेचर को एक आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जो कि हमारा थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है. तो हमने इसमें एक और डिवाइस का यूज किया, थर्मोकपल. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे सेंसर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है. तो सेंसर को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, सेंसर को डिफाइन किया गया है कि एक सेंसर है वो एक ऐसे डिवाइस है जो कि हमें एक यूजेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दें सेंसर को मेजर करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में एक यूजेबल आउटपुट प्रोवाइड करने वाला जो डिवाइस है उसी को सेंसर बोलते हैं. और बेसिकली ये जो सेंसर है ये एक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका ओरिजिनल मीनिंग है टू परसीव, यानी कि डिटेक्ट करना, कोई भी चेंज को डिटेक्ट करना, परसीव करना. ठीक है, तो जो सेंसर है बेसिकली, अगर हम मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो ये हार्ट है मेजरमेंट सिस्टम का. ये एक पहला एलिमेंट है जो किसी भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल के कॉन्टेक्ट में आता है, आउटपुट जनरेट करने में हमें हेल्प करता है. ये सेंस करता है कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, प्रेशर, टेम्परेचर, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको सेंस किया जा सकता है, उसमें वो चेंज क्या हो रहा है,
और हमें ये उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद में हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं, और एक रीडेबल फॉर्म में जिसमें ह्यूमंस उस चेंज को रीड कर सकें वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए एक मेजरमेंट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेंसर, क्योंकि जब तक हम किसी सिग्नल को या किसी चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसे मेजर कैसे करेंगे। तो दैट्स व्हाई अ सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजरमेंट सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज जिन्हें सेंसर के द्वारा सेंस किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सेंसर सेंस करता है, तो वो क्वांटिटीज क्या-क्या हो सकती हैं? दे कैन बी मोशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेन, प्रेशर, फ्लो, साउंड, मॉइस्चर, लाइट, रेडिएशन, टेम्परेचर, केमिकल प्रेजेंस। तो ये जो भी क्वांटिटीज हैं, मोशन हुआ, पोजीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनमें क्या चेंज हो रहा है, किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या है, एसेलरेशन क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो कितना है, साउंड, ये जो भी क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, लाइट, टेम्परेचर, इन सब को हम सेंस कर सकते हैं। और जब सेंस कर सकते हैं तो इनमें जो रेट ऑफ चेंज है उसे मीजर भी कर सकते हैं। ये कुछ क्वांटिटीज थी जिनको सेंसर के द्वारा सेंस किया जा सकता है। अब कम टू दिस वन, लेट अस कंसीडर अ मेजरमेंट सिस्टम। अगर हम एक मेजरमेंट सिस्टम को कंसीडर करें तो अब हम ये देखते हैं कि उसमें सेंसर जो है वो फर्स्ट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो जो एक मेजरमेंट सिस्टम है वो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं एक मेजरमेंट सिस्टम के। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस। तो जो इनपुट डिवाइस से मेजरमेंट सिस्टम है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है। तो जो इनपुट डिवाइस है उसका काम ये है कि वो इन्वायरमेंट को सेंस करेगा या आप उसके सराउंडिंग को सेंस करेगा, जिससे कि हम एक आउटपुट जनरेट कर पाएं। पहले सेंस करेंगे कि क्या चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में। देन एक सेकेंड डिवाइस यूज होती है मेजरमेंट सिस्टम में, सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद में जो हमने सिग्नल, जो सेंसर ने सिग्नल प्रोड्यूस किया उसको प्रोसेस करने के लिए, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिससे कि वो एक रीडेबल फॉर्म में बन जाए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बन जाए, उस सिग्नल को मॉडिफाई करने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम एक सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करते हैं। और मेजरमेंट सिस्टम की मेन थर्ड डिवाइस इज आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें उस वो जो चेंज हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी में उसे शो करती है। ठीक है, तो एक मेजरमेंट सिस्टम की थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस जिसमें सेंसर्स आते हैं बेसिकली, सिग्नल प्रोसेसिंग, एंड देन थर्ड इज आउटपुट डिवाइस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंसर एंड हाउ सेंसर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नाउ कम टू व्हाट इज दिस ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली होते क्या हैं? ट्रांसड्यूसर जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट करता है, तो जो ट्रांसड्यूसर है वो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्म किस चीज को कर रहा है? किसी भी एक एनर्जी को दूसरे वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, उस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। सो एक ऐसा डिवाइस जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, दूसरी फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, अब हम जो ट्रांसड्यूसर है वो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है या फिर कन्वर्ट करता है। अभी हमें एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए जो हमने प्रोवाइड कराया उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट रेस्पॉन्स देता है जिसे हम इजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर है और जो सेंसर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर का एक एग्जाम्पल क्या होगा? अब हमने डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी, काफ़ी सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं जो कि ट्रांसड्यूसर का काम करती हैं, उनमें से एक डिवाइस है थर्मोकपल। जो थर्मोकपल है वो एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो थर्मोकपल्स होते हैं इनके अंदर दो वायर लेग्स लगे होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बने होते हैं। तो ये जो वायर लेग्स हैं इनको वेल्डेड किया जाता है एक एंड पर, जिससे कि एक जंक्शन क्रिएट होता है और इसी जंक्शन पर टेम्परेचर मेजर होता है।
सो बेसिकली अभी के लिए हम थर्मोकपल इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो थर्मोकपल है वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ट्रांसड्यूसर है जो कि हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। अब जो थर्मोकपल के बारे में वर्किंग एंड एप्लीकेशंस एंड मोर वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब ये जो थर्मोकपल है यहाँ पर इसका जो जंक्शन है जहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो जब वो टेम्परेचर में चेंज को एक्सपीरियंस करता है इस जंक्शन पर जब जब टेम्परेचर में जो चेंज है वो मेजर होता है या फिर एक्सपीरियंस किया जाता है तो यहाँ इस थर्मोकपल के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो थर्मोकपल है वो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस तो कर रहा है लेकिन उसको उस फॉर्म में शो नहीं कर रहा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। वो डिटेक्ट कर रहा है टेम्परेचर के चेंज को लेकिन उसे एक दूसरी फॉर्म वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें शो कर रहा है। तो हमें जो आउटपुट है, जो आउटपुट चेंज मिल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर था उसमें जो चेंज हो रहा है वो हमें उसी फॉर्म में शो नहीं हो रहा। उसने टेम्परेचर को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, वोल्टेज। सो दैट्स वाई दिस थर्मोकपल इज अ ट्रांसड्यूसर। ये हमें चेंज तो शो कर रहा है लेकिन सेम फॉर्म में शो नहीं कर रहा है। इट इज कन्वर्टिंग टेम्परेचर इंटू वोल्टेज एंड देन हमें वो जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो मेजर हो पा रहा है थर्मोकपल की हेल्प से। लेकिन वो हो किस फॉर्म में रहा है? वोल्ट्स की फॉर्म में, बिकॉज इट क्रिएट अ वोल्टेज सिग्नल। सो इस तरीके से ये थर्मोकपल टेम्परेचर को मीजर करने का काम करता है और एक ट्रांसड्यूसर का भी काम करता है क्योंकि ये एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो अभी हमने दोनों सेंसर और दिस ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा तो यहाँ से हमें इसमें कुछ सिमिलैरिटी शो हुई। दोनों का काम है यहाँ पे एक सेंसर का जो काम है वो है डिटेक्ट करना और फिर ट्रांसड्यूसर का भी काम है कि वो उस सिग्नल को हमें बेसिक फॉर्म में शो करेगा चेंज करने के बाद में। दोनों का एक सिमिलर वर्क है कि ये हमें चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे हैं जो भी चेंज हो रहा है और फिर हमें एक रीडेबल फॉर्म में एक आउटपुट दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सेंसर और दिस ट्रांसड्यूसर में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। तो जो सेंसर है आप जैसे कि अभी हमने पढ़ा वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है जो उसके सराउंडिंग में है उसमें या फिर उस फिजिकल क्वांटिटीज में जो चेंज हो रहा है, कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है उसको हम सेंस कर पाते हैं। लेकिन एक ट्रांसड्यूसर का काम है कि वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच में। नेक्स्ट इज जो सेंसर है वो खुद सेंसर का एक मेजर कॉम्पोनेंट है लेकिन जो ट्रांसड्यूसर है उसके अंदर सेंसर और एक दूसरा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, सिग्नल कंडीशनिंग कंपोनेंट। ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसड्यूसर के। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी सेंसर हैं हमारे पास में, जितने भी सेंसर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर्स नहीं हैं लेकिन जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं वो सेंसर्स हैं। कैसे? क्योंकि एक ट्रांसड्यूसर के अंदर सेंसर्स तो इन्वॉल्व है ही। ट्रांसड्यूसर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग कंपोनेंट एंड फर्स्ट इज सेंसर सेंसिंग एलिमेंट या फिर सेंसर कंपोनेंट। तो ट्रांसड्यूसर के अंदर सेंसर तो इन्वॉल्व है लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी सेंसर्स हैं वो जो हमारे सेंसर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर हों क्योंकि हर एक सेंसर एक सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल से यहाँ पे देखते हैं एक्सेलेरोमीटर। अब एक्सेलेरोमीटर का यूज हम कार्स में करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है उसको शो कर रहा होता है एक्सेलेरोमीटर। तो ये एक सेंसर का काम कर रहा है, ये चेंज को डिटेक्ट कर रहा है और शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही हम एक्सेलेरोमीटर को एक ट्रांसड्यूसर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ट्रांसड्यूसर का काम है वो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे लेकिन एक्सेलेरोमीटर इज जस्ट डिटेक्टिंग द चेंज इन द वेलोसिटी एंड उसको शो कर रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो एक्सेलेरोमीटर जो एग्जाम्पल था वो सेंसर का एग्जाम्पल हुआ। अब थर्मिस्टर और थर्मोकपल ये एग्जाम्पल है ट्रांसड्यूसर के। तो अब थर्मिस्टर और थर्मोकपल्स ये होते क्या है? थर्मिस्टर भी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि रेसिस्टेंस
ट्रांसड्यूसर है, ये टेम्परेचर को मीजर करने के लिए होता यूज होता है। एंड सिमिलरली थर्मोकपल भी हमारा टेम्परेचर को मीजर करने के लिए यूज होता है। दोनों ट्रांसड्यूसर्स हैं। अब इनकी वर्किंग अगर हम बात करें, मीनिंग ये है कि मीजर तो ये टेम्परेचर कर रहे हैं, सिमिलरली एक्सेलेरोमीटर था वो वेलोसिटी को मीजर कर रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ये सेंसर था ये सेम फॉर्म में शो कर रहा था हमारी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, लेकिन अब थर्मोकपल का वर्क कैसे होता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है और फिर हमें शो होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक थर्मोकपल की फिगर है, यहाँ पे जो इसका ये हॉट जंक्शन है, यहाँ पर ये वो जंक्शन है जहाँ पर टेम्परेचर डिटेक्ट होता है कि टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो ये डिटेक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि वो एक वोल्टेज सिग्नल निकलेगा और फिर हम वोल्टेज के फॉर्म में उसे मीजर कर पाएंगे। टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो एक्सपीरियंस तो करेगा इस हॉट जंक्शन पे जो टेम्परेचर चेंज है, लेकिन हम उसे सेम टेम्परेचर के फॉर्म में मीजर नहीं करेंगे, हम उसे मीजर करेंगे वोल्टेज की फॉर्म में, मिली वोल्ट्स की फॉर्म में, और हम उसे एक वोल्टेज सिग्नल की फॉर्म में मीजर करेंगे क्योंकि थर्मोकपल ने उस टेम्परेचर के जो चेंज को है उसे वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। मीजर तो हम टेम्परेचर ही कर रहे हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट्स। एंड यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर के केस में था कि हम सेम फॉर्म में, हमें जो सेंसर है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, वो सेम फॉर्म में जो वोल्टेज वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे शो कर रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच में। ठीक है, तो सेंसर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो किसी भी फिजिकल चेंज को सेंस करना है, लेकिन ट्रांसड्यूसर का जो फंक्शन है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। सो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स के बीच में। सो आई थिंक दिस पार्ट इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंसर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड सो ऑन। टिल देन, keep watching, keep learning. Thank you so much once again.